गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फुल डे ब्लॉग कल का, तो प्लीज लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक्साइटेड, मजा आएगा। चलो चलते हैं। ये देखिए हो रही है बारिश, और ये मेरी साइकिल जिसकी गद्दी इन्होंने बहुत ऊंची कर दी और मुझे चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो गाइस, आप लोगों को मैं बता दूं, ये पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, तो काफी ज्यादा यहाँ के पेड़ वेड़ कट गए ना, तो बहुत अच्छे से शांति हो गई है। और ये हमारे जीने के बगल से गया हुआ एक रास्ता जो कि सीधा कमिश्नर मैम के घर की तरफ जाता है। तो अब हम आ गए हैं बाहर, और चलिए चलते हैं। सो गाइस, अब बाहर ही बहुत सारे लोग हैं और गार्ड भैया अंदर बैठे हुए हैं क्योंकि बारिश हो रही है, वरना ये उनकी चेयर है, हमेशा आपको यहीं पे दिखेंगे। ये देखिए। तो अब हम लोग निकल आए कॉलोनी के गेट से बाहर और चलते हैं पीएयू, क्योंकि मेला भी लगा हुआ था ना जिसने मेरी कल वाली वीडियो देखी है। और आज हम जा रहे हैं जलेबी खाने। क्या लिखा किसी को पता है? गाइस, ये यहाँ का मेला है और आप लोग देख सकते हो बारिश में इतनी भीड़ है, यहाँ पे सामान मिल रहे हैं और पुलिस वाले बहुत ही अच्छे, बहुत ही सपोर्टिव हैं। इतनी ज्यादा भीड़ थी, जाम फिर भी उन्होंने नहीं लगने दिया। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी है और गन्ना लगा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो। यहाँ पे लोग सीखते हैं, और सबसे अच्छी बात देखिए, यहाँ पे हो या यूपी हो, चहला और कीचड़ वाली सड़कें जरूर ही मिलेंगी। ये रहा सबसे फेमस जलेबी, और ये देसी घी की बनी हुई जलेबी है, और आपको पता है 70 रुपए की एक पीस। और ये जलेबी है गुहाना की, आप लोग देख सकते हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। बारिश में भी हम लोग लाइन लगाए जलेबी के लिए। आप लोग देख सकते हो सामने वाले शॉप पे बिल्कुल भीड़ ही नहीं थी। उन्होंने जलेबी ले ली और बहुत ही लंबी लाइन लगने के बाद ली। गाइस, इस मौसम में सिर्फ एक ही गाना याद आ रहा है, तुमको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। तुमको बारिश पसंद है और मुझको बारिश में तुम। ये जलेबी, मतलब वैसे हमारे यहाँ जलेबी तो रोज खाई जाती है मॉर्निंग में, पर यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है लाइन लगी जलेबी के लिए। भीग भीग के हम लोग आ चुके हैं अब रूम में, और अब चलते हैं जलेबी खाने 70 रुपए वाली। चलिए। तो गाइज, हमारे यहाँ दही और जलेबी खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ी सी दही भी ले ली। और मैं जलेबी को आपको रियल वाला शेप दिखाती हूँ, ये देखिए। हाँ, आप लोग बहुत सारे लोग खाते होंगे इतनी बड़ी जलेबी, पर मेरा ये फर्स्ट टाइम है। और ये जलेबी है हरियाणा के गोहाना जिला पड़ता है कोई वहां की, और यार ये देसी घी में इतनी टेस्टी है पूछो मत। ली थी हमने 3 जलेबियां, और एक हमारी, और बाकी हम अपनी कॉलोनी में बांटते हुए आए, बड़ा मजा आया। पर अब आए निकास भैया, मैं बस इतनी खाऊंगी। सो गाइज, अब मैं भीग चुकी हूँ, थोड़ा सा फिर से नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं अब शाम में। सो गाइज, अब बारिश बंद हो चुकी है, मैं नहा धो चुकी फिर से, और अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी बनाने। तो पकौड़ी में मैं बनाऊंगी लौकी की, आलू की, प्याज की, तो मेरे पास जो भी आइटम होते हैं मैं सारी सब्जियों की पकौड़ी बना देती हूँ, और बैंगन की भी। वैसे ही गोल वाले बैंगन का भरता ज्यादा टेस्टी लगता है, पर पकौड़ी भी बना ही रही हूँ तो चलो 2-4 इसकी भी बना देती हूँ। सबसे पहले मैं इन्हें कट कर लूंगी, अभी मैंने लौकी को कट किया है, और अब आलू की बारी है। सो गाइस, प्याज की पकौड़ी बनाने के लिए मुझे एक ब्रेड चाहिए क्योंकि एक ही मेरे पास है, और इसे मैं मिक्सी में डाल के खूब महीन ना पीस लूंगी। और ये देखिए मतलब भर का हो गया है। मैंने लिया है मैदा, पहले मैं प्याज वाली बना के बता देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ, क्योंकि आलू और लौकी वगैरह की तो सिंपल सी होती है, नॉर्मल ऐसे ही काटा फेटा डाला। तो गाइस, अब मेरी पकौड़ी भी तैयार है और चाय भी, तो जल्दी से आप लोग भी आ जाइए। फैन होगी रौनक, इधर देखो। हाँ बाबू, तो गाइस ये है रोज गार्डन की एंट्री, और अब हम लोग अंदर आ चुके हैं। आप लोग भी देखो कितना तगड़ा है। गाइस, मेरी आवाज आ रही है, यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है पीछे की साइड, और कोई भी आके किसी को डेडिकेट करके कोई भी सॉन्ग सुना सकता है। तो मेरी आवाज तो बड़ी सुरीली, इसलिए मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि लोग यहाँ से भाग जाएंगे अगर मैंने गाना शुरू किया। तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ कौन कौन से सॉन्ग यहाँ पे लोग गा रहे हैं।
गाइस पार्क में ना सभी आते हैं, देखिए बुजुर्ग वो लोग कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम सब भी ऐसे आए हैं घूम। मैं तो घूमने आई हूँ सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि चलो आज रोज गार्डन दिखा देते हैं। और ये है विद्या का पेड़, इस पेड़ को हम लोग बचपन में विद्या का पेड़ बोलते थे। तो देखिए कितना बड़ा सा, कितना क्यूट सा लग रहा है, ऐसे पूरे किनारे किनारे तक लगे हुए हैं। मिली है छोटी सी मेरी कॉलोनी की गुड़िया जो कि बहुत ही प्यारी है ना, है ना, पर बोलती नहीं क्योंकि इसको शर्म आती है। हाय हेलो, बोलो बाबू जल्दी बोलो, जा रहे हैं बोलो तो पापा। अच्छा मतलब दूसरे झूले पे झूलना है, और यहाँ पे बहुत सारे झूले हैं ये बच्चों के, अंधेरा हो गया इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, तो चलो मैं इसमें झूला के लाती हूँ। प्यारो करो इधर, अब चलो। ओफो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। So, अब रोज गार्डन से निकलने के बाद हम लोगों ने खाया बर्गर और चाउमीन, क्योंकि अब घर पे खाना ही कौन बनाता, बहुत थक गए थे और लेट भी हो गई थी। और ये क्यूट सा बाबू गाइस आप लोग देख सकते हो, गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद लाइफ में मजे कितने हो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, पढ़ाई नहीं होती, सब इंजॉय करते हैं और बहुत ही मस्ती से। और खैर ये तो इनकम टैक्स कॉलोनी में तो अलग ही बात रहती है, क्योंकि हम सब इतना इंजॉय करते हैं ना साथ में निकलना घूमना। हमने खाया बर्गर और चाउमीन और अब कर रहे हैं वॉक, खा लिया था ज्यादा ना इसीलिए हम लोग वॉक कर रहे हैं। हाँ ठीक कर लो थोड़ा ना, अच्छा रहेगा। अच्छा वो आप मिल गई, मजा आ गया। सब लोग कैसे मजे में? सो गाइस अब रूम पे आ गई हूँ और क्या हाल हो गया, मेरे बाल कैसे हो गए हैं, तो अब चलते हैं अंदर। तो गाइस अब मैं रूम में आ चुकी हूँ और आज का शॉर्ट आउट जाता है लक्ष्मी प्रिया और नीलूफर को। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि आपका नाम भी कॉल आउट हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट डन करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम कॉल आउट होगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय गाइस।